जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि जैसे मैंने एक विलेज कवर किया 5,000 पॉपुलेशन का, तो उसमें इनिशियली हम 2 या 3 मेन आउटलेट्स करते हैं, और फिर उसके बाद जो है जब हमारी फ्रीक्वेंसी फिक्स हो जाती है तो देन वी यूज टू कवर ईच एंड एवरी आउटलेट ऑफ दैट विलेजेस। तो पहले हम एक्सपेंशन पे काम करते हैं, देन वी यूज टू वर्क ऑन कंसोलिडेशन। फिर उसके बाद आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आता है कवरेज ऑफ आउटलेट्स। तो कवरेज ऑफ आउटलेट्स जो है वो हमारे 2 तरीके से कवरेज रहता है आउटलेट्स का। एक लोकल होता है, जहां पर जिस टाउन में होलसेलर रहता है उस टाउन के आउटलेट्स को हम कवरेज बोलते हैं, उसके बाहर वो करने जाता है उसको हम अप कंट्री बोलते हैं। तो एक पार्ले का कवरेज का नॉर्म है, तो कवरेज के नॉर्म के हिसाब से हमें उस आउटलेट उस टाउन में जो है मार्केट कवर करनी होती है। फिर कवरेज जब शुरू होती है तो नाउ कम्स द प्लेसमेंट ऑफ द प्रोडक्ट। तो प्लेसमेंट ऑफ प्रोडक्ट के लिए वी हैव गॉट अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रैटेजीज कि किस तरीके से हमारी प्लेसमेंट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आउटलेट के ऊपर। सो देर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स विच वी कंसिडर टू वर्क आउट ऑन द न्यूमेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आर ब्रांड प्रोडक्ट्स एंड SKUs। लाइक सबसे पहले मार्केट शेयर, जिन जिन प्रोडक्ट्स में वी आर वीकर इन आर मार्केट शेयर, तो हम उसमें मार्केट शेयर के ऊपर काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में 20% मार्केट शेयर है, तो वी एम फॉर 30% मार्केट शेयर। तो 30% मार्केट शेयर के लिए नंबर ऑफ आउटलेट्स, कितने नंबर ऑफ आउटलेट्स कवर करने पड़ेंगे, उन नंबर ऑफ आउटलेट्स पे कितनी क्वांटिटी क्वांटिटी हमें प्लेस करनी पड़ेगी। दूसरा तरीका प्लेसमेंट का, हम दूसरा स्ट्रेटेजी जो लेते हैं प्लेसमेंट की, दैट इज PCC। PCC इज पर कैपिटा कंजम्पशन। मतलब पर कैपिटा कंजम्पशन इज के ऑन एन एवरेज एक कंज्यूमर जो है एक मंथ के अंदर पार्ले का कितना प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहा है, कितने रुपए का प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहा है। सो देर आर डिफरेंट नॉर्म्स, लाइक अप कंट्रीज में हम कहते हैं कि देयर शुड बी अ PCC ऑफ 15 रुपीज, और लोकल टाउन में हम कहते हैं कि PCC जो है वो 20 रुपीज की होनी चाहिए। तो वो PCC के हिसाब से न्यूमेरिकल्स डिसाइड करना, टारगेट पे अराइव करना, और फिर उसी हिसाब से प्लेसमेंट करवाना। थर्ड स्ट्रैटेजी होती है विड्थ और डेप्थ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। विड्थ मतलब कितनी दुकानों पे हमें एक पर्टिकुलर ब्रांड SKU या प्रोडक्ट को प्लेस करना है, और डेप्थ मतलब कितनी क्वांटिटी में हर दुकान पर प्रेजेंट करना है। तो डेप्थ जो है वो क्लास ऑफ आउटलेट के ऊपर डिपेंड करती है। वी हैव गॉट अ डिफरेंट क्लास ऑफ आउटलेट्स, सेल्फ सर्विस आउटलेट्स आर देयर, ए क्लास आउटलेट्स आर देयर, बी क्लास आउटलेट्स आर देयर। तो हर एक क्लास ऑफ आउटलेट के बाइंग पोटेंशियल के हिसाब से हम जो है वी डिसाइड ऑन द क्वांटिटीज टू बी प्लेस्ड ऑन आउटलेट एंड देन वी वर्क ऑन दैट। सो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगर हम देखें, तो मैं जैसे बात करता हूँ कि पार्ले इज अ हाईली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोडक्ट, तो दीज आर द स्ट्रैटेजीज विच वी हैव फॉलोड फ्रॉम लास्ट 20, 30, 40 ईयर्स रेगुलरली। तब हम आज इस पोजीशन पे पहुंचे हैं कि हम 1,000 पॉपुलेशन तक हमारा डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है। मतलब हम इंडिया की 90% पॉपुलेशन को डायरेक्ट कैटर करते हैं, एंड वी आर द लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड कंपनी इन इंडिया। तो जो हम देखते हैं 3,000 करोड़ से, जो पिछले 13 साल में जो जर्नी शुरू हुई, 12,500 करोड़ और 18,000 करोड़, तो दिस प्लेसमेंट हैज गॉट अ वेरी मेजर रोल टू प्ले। एंड देन ऑफ कोर्स ट्रेड है, ट्रेड के मोटिवेशंस के लिए ट्रेड प्रमोशंस हम लोग करते हैं आउटलेट्स के अंदर, आउटलेट के बाहर, और देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेड प्रमोशन स्कीम्स। हमारे इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स, और उनसे भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है उनके सेल्समैन, जो कि सब हमारी लड़ाई बाजार में लड़ते हैं और पार्ले को रिप्रेजेंट करते हैं बाजार के अंदर में। उनके लिए इफेक्टिव इंसेंटिव प्रोग्राम डिज़ाइन करना, और हमारे जितने भी इंसेंटिव प्रोग्राम डिज़ाइन होते हैं उनका एक ही थीम होता है, सेल मोर एंड अर्न मोर। एंड देर आर सर्टेन ज्योग्राफीज जहाँ पर वीकर ज्योग्राफीज है, जहाँ पर प्रेजेंस है, सेल्स उतना नहीं है जितना स्ट्रॉन्गर ज्योग्राफीज में, तो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हाई होती है वहाँ पर ऑपरेट करने के लिए। सो इन दोज ज्योग्राफीज वी आर सब्सिडाइजिंग आर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो, ताकि हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को हेल्प हो सके और हमारे प्रोडक्ट जो है वो टारगेटेड आउटलेट्स और पॉपुलेशन स्ट्राटा तक पहुँच सके। नाउ कमिंग ऑन टू प्रमोशन, प्रमोशन की अगर मैं बात करता हूँ, तो हमारा सिंपल कम्युनिकेशन होता है कि टारगेट ऑडियंस को हिट करना। कम्युनिकेशन होता है 2 तरीके से, लाइक व्हेन आप प्रोडक्ट इज अराइव, तो अराइवल के लिए कम्युनिकेशन है, और फिर उसके बाद देयर आफ्टर उसके ब्रांड और प्रोडक्ट के रिकॉल के लिए कम्युनिकेशन करता है। पार्ले एड्स तो हमारे स्ट्रेंथ रही है 1940 से,
अगर मैं देखूं तो रेगुलरली पार्ले ने पार्ले प्रेस हेड्स दिए हैं, लेकिन टीवी कमर्शियल पहली बार जो है 1992 में दिया था पार्ले जी का. सो फ्रॉम देयर 1992 से पार्ले जी के टीवी कमर्शियल आना शुरू हुए हैं एंड रेगुलरली दे आर ऑन टीवी. उसके बाद हम लोग स्पॉन्सरशिप्स भी करते हैं, ब्रांड एंडोर्समेंट्स भी करते हैं, काफ़ी चीज़ें करते हैं टू हैव अ ब्रांड रिकॉल और टू अनाउंस आर प्रोडक्ट्स अराइवल इन द मार्केट. कई सारे इनोवेटिव कैंपेन्स आप लोगों ने मार्केट में देखे होंगे, मतलब टीवी पे देखे होंगे, लाइक जी माने जीनियस एक कैंपेन था, काफ़ी दिनों तक चला पार्ले जी का जी माने जीनियस है. फिर देन इट वॉज स्टार्टेड हिंदुस्तान की ताकत. फिर रिसेंटली वी स्टार्टेड अपने भारत का बिस्किट. एंड अभी कोविड पीरियड में सिंस आर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर अनाउंसेस वोकल फॉर लोकल कैंपेन, सो वी स्टार्टेड आर वोकल फॉर लोकल कैंपेन कम्युनिकेशन इन दिस कोविड टाइम्स. प्रमोशंस में एक और चीज़ है कि जो भी हमारे ब्रांड्स नेम है वी ट्राई टू गिव डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रांड नेम्स, तो और यूनिक रहने चाहिए ताकि थोड़े से जो है रिकॉल करने में और याद करने में कंज्यूमर को आसानी रहे. जैसे कि सम ऑफ दीज ब्रांड नेम्स आर लाइक किसमी. किसमी इज वन ऑफ द यूनिक ब्रांड नेम. देन वी हैव गॉट अ वन कन्फेक्शनरी इन द नेम ऑफ मजेलो इन आर पोर्टफोलियो. देन वी टू इयर्स वी लॉन्च चपर चपर. दिस इज ब्रिजेस कैटेगरी, बेसिकली कुरकुरे in the name of Chappar Chappar. This is basically, this brand was created for the Uttar Pradesh only, looking keeping the target audience in mind. So and the language of the Hindi being a UP being a Hindi language state, so brand name Chappar Chappar was given. Not only this promotion mein ye to, these are the broader part of communication. Hum दुकान के अंदर और दुकान के बाहर भी हम प्रमोशंस डिजाइन करते हैं. दैट कम्स अंडर ट्रेड प्रमोशन एक्टिविटीज लाइक पीओपी डिजाइन करना, डिस्प्लेस डिजाइन करना. और आज करंट ट्रेंड में क्या है कि वी हैव स्टार्टेड गिविंग प्रोडक्ट इन डिस्पेंसर पैक. इजी डिस्पेंसर पैक में हम लोग प्रोडक्ट्स को दे रहे हैं ताकि वो डिस्पेंसर पैक से आप रिटेलर्स को प्रोडक्ट बेचने में भी आसानी होती है एंड एक्ट्स एज अ रिकॉल फॉर द ब्रांड एट आउटलेट इटसेल्फ. तो जरूरी नहीं है आप ऐड भूल गए हैं, आपने ऐड देखा ऐड भूल गए, आप उसको जैसे ही आउटलेट पे पहुंचेंगे आपने डिस्पेंसर देखा तो देर इज अ ब्रांड रिकॉल फॉर दैट थ्रू ब्रांड डिस्पेंसर ऑफ दैट प्रोडक्ट. तो मैंने ये एक ऐड है 1947 में जब मैं इंडिया को इंडिपेंडेंस एक कंपनी ने दिया था उस समय. And second picture is I've shared of this dispensers pack. So ye hide and seek platina range ke dispenser pack hai, ₹10 MRP ke. So these are acting as a brand recall at retail outlets. Now comes the most important part and the core part of Parle. People form the core of Parle. Chahe wo company ke employees ho, whether they are trade partners as well as consumers. हम सभी लोगों का जो है बखूबी ख्याल रखते हैं कंपनी में. लाइक जो मैनी ऑफ द कंज्यूमर प्रमोशंस हम टाइम टू टाइम लेकर आते हैं, जहाँ की कंज्यूमर प्रमोशंस वो डिफरेंट तरीके के होते हैं कि प्रोडक्ट के साथ प्रोडक्ट फ्री रहते हैं या कॉन्टेस्ट होते हैं, हर तरीके के हम प्रमोशंस करते रहते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम. एवरी ईयर वी यूज टू रन समवेयर अराउंड 3 to 4 कंज्यूमर ऑफर्स कंज्यूमर के लिए पैन इंडिया बेसिस पे, और बाकी रीजनल लेवल पे मॉडर्न ट्रेड्स में तो एवरी मंथ ज्यादा कंज्यूमर ऑफर्स. एम्प्लॉयज की अगर हम बात करते हैं तो एम्प्लॉयज को जो है सम ऑफ द बेस्ट ट्रेनिंग्स रेगुलरली जो है वो दैट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय द कंपनी फ्रॉम टाइम टू टाइम टू एनहांस देयर स्किल्स. फैमिलीज जो है एम्प्लॉयज की, दोज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट एंड दैट हैज बीन टेकन केयर वेल ऑफ बाय द कंपनी. एंड देर आर मैनी सच थिंग्स जो कि फैमिली को सिक्योर करने के लिए हैं वो कंपनी की तरफ से टाइम टू टाइम आती रहती हैं. अट्रैक्टिव इंसेंटिव प्लान्स रहते हैं सेल्स टीम के लिए टाइम टू टाइम, ताकि सेल्स टीम मोटिवेटेड रहे. एंड देन अगेन वी वर्क ऑन द सेम थीम सेल मोर एंड अर्न मोर.
एक बहुत अच्छी चीज पार्ले के अंदर है, वो है कि हमारे यहाँ जो है एम्प्लॉयज का अपग्रेडेशन बहुत, प्रमोशन जो है बहुत रेगुलरली होता है, और अगर आप डिजर्विंग हैं तो आपको कंपनी के अंदर कोई भी रोक नहीं सकता आगे बढ़ने के लिए। और बेस्ट एग्जांपल ये है कि जो हमारे सेल्स हेड हैं अभी जो हैं सेल्स हेड, इससे पहले जो सेल्स हेड थे उससे पहले, तो लास्ट तीन जो सेल्स हेड थे, इन तीनों सेल्स हेड ने इस कंपनी को एंट्री लेवल पर ज्वाइन किया एज सेल्स ऑफिसर। तो उस सेल्स ऑफिसर से उन्होंने जो है वीपी सेल्स का सफर तय किया। तो अगर आप डिजर्विंग हैं, मेहनत करते हैं, तो देर इज नो लिमिट टू ग्रो इन पार्ले फॉर एन एम्प्लॉय। और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जो कि हमारे ट्रेड पार्टनर्स हैं, सेल्समैन और उनके डिस्ट्रीब्यूटर सेल्समैन, तो उनके लिए भी कंपनी जो है टाइम टू टाइम इंसेंटिव पैकेजेस डिजाइन करती रहती ताकि वो मोटिवेटेड रहें और हमारे प्रोडक्ट को एज पर द टारगेटेड सेल्स और टारगेटेड ऑडियंस और आउटलेट के हिसाब से बेचते रहें। तो दीज आर द ओवरऑल, अगर मैं देखूं तो 3,000 करोड़ 2007 से और 1939 से, अगर मैं 29 से अगर मैं जर्नी देखता हूं, तो ये चारों पांचों जो पीज हैं इनका ये एक मिक्स रहा है और हमने इसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स किया है और इसी का रिजल्ट है कि आज हम, लास्ट ईयर हमने 12,500 करोड़ का टर्नओवर किया एंड नाउ दिस ईयर वी आर गोइंग टू अचीव 18,000 करोड़ टर्नओवर। दिस इज वन करंट कंज्यूमर ऑफर विच वी आर रनिंग ऑन आर स्नैक्स, वो फुल टॉस वेफर्स चटकींस नमकीन इन द ब्रांड नेम ऑफ चटकींस। So, thing is that, like, if you are doing what you have been doing, you will be getting what you are getting. So, if you want to get something extra, you have to do something extra. Now, coming on to post-COVID. March aate aate, situation jo hai, wo thodi si yahan India mein bigadne lagi thi, and suddenly, there was an announcement from PM on 23rd there will be janta curfew, aur uske baad fir then there was an announcement for lockdown. Wo ek aisa week tha last week March ka, there was uncertainty, lots and lots of uncertainty was there, kisi ko kuch nahi pata tha kya karna hai, and we were also very clueless kya karna chahiye kya nahi karna chahiye, kyunki pandemic ka dar tha, bahut sari cheeze jo hai hame malum hi nahi thi ki is actually mein ye hai kya, किस तरीके से रिएक्ट करता है ये वायरस और किस तरीके से हमको इफेक्ट करता है। फिर उसके बाद लॉकडाउन शुरू हुए, लॉकडाउन्स में वेरियस रेस्ट्रिक्शंस शुरू हुई, रेस्ट्रिक्शंस घर पर रहने की तो थी, उसके साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन की मूवमेंट्स की रेस्ट्रिक्शंस शुरू हुई। फिर ओवरऑल अगर देखें तो देर वॉज ए अनसर्टेनिटी, देन वी एज अ कंपनी there was a call from our directors and there was a brainstorming ki hame karna kya chahiye is covid situation mein. So we decided ke we'll start slowly in phases, we'll start and kyunki is duran jo hai essential services jo hai wo government ne open ki hui thi, to ab wo thing being as a packet foods, we are the essential products, तो हमारी सप्लाईज मार्केट में जाना बहुत जरूरी था, लेकिन सबसे पहले उससे भी ज्यादा जरूरी था कि जो भी हमारे पीपल हैं, चाहे वो एम्प्लॉई हो, डिस्ट्रीब्यूटर्स हो, डिस्ट्रीब्यूटर सेल्समैन हो, जो भी हो, उनकी उनको सेफ गार्ड करना। दूसरा था कि गवर्नमेंट्स के रेगुलेशंस को फॉलो करना, और तीसरा था कि सप्लाईज करना आफ्टर फॉलोइंग अबव टू रूल्स, के सेफ्टी ऑफ द पीपल एंड फॉलोइंग द गवर्नमेंट एंड रेगुलेशन। देन वी ब्रेनस्टॉर्म ऑन दिस टॉप मैनेजमेंट में, इसमें वी हैव गॉट अ 2-3 मीटिंग्स इन स्पैन ऑफ 2-3 आवर्स, और देन फिर उसके बाद ब्रेनस्टॉर्म किया एंड वी अराइव्ड ऑन समथिंग। तो हमने तैयारी करना शुरू किया, तो सबसे पहले देखा कि मैन्युफैक्चरिंग जो है वो स्टार्ट करनी है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गई थी, तो बीइंग एसेंशियल प्रोडक्ट, तो फैक्ट्रीज और उनके ओनर्स को जो है उन्होंने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को अप्रोच किया और कंपनी की तरफ से हर एक लेवल को एक अथॉरिटी लेटर दिया गया। तो उन लेटर्स के थ्रू फैक्ट्रीज को, डिपोज को जो है वो ऑपरेट करने के पासिस मिले, उनके व्हीकल्स को पासिस अरेंज कराए कंपनी ने, ताकि
गुड्स का मूवमेंट हो सके फैक्ट्री से डिपो तक और डिपो से डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट तक। फिर डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट तक हमारे गुड्स पहुंचने लगे, तो अब डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट से इंपॉर्टेंट था कि मार्केट में गुड्स पहुंचने चाहिए, तो उसके लिए फिर अगेन हमें डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए, उनकी सेल्स टीम के लिए, उनके व्हीकल्स के लिए पासेस अरेंज करने थे। तो वी कॉन्टेक्टेड द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एवरी, सबसे पहले हमने सेंटर गवर्नमेंट को अप्रोच किया, और सेंटर गवर्नमेंट से अप्रोच करने के बाद उनसे लेटर लेने के बाद फिर व्हेन वी वेंट टू लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट, और फिर वहां से अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए, अपने सेल्स डिस्ट्रीब्यूटर सेल्स टीम के लिए, उनके व्हीकल्स के लिए लोकल पास अरेंज किए, ताकि प्रोडक्ट का मूवमेंट जो है वो आसानी से रहे। फिर इतना ही नहीं, इसके बाद वी इश्यूड एडवाइजरी फॉर ऑल द पीपल हु आर वर्किंग इन द फील्ड। कोई भी कंपल्शन नहीं था किसी को फील्ड में काम करने का, जिसकी इच्छा है उसको करना था, लेकिन अगर जो भी कोई कर रहा है तो देयर इज द एडवाइजरी एंड दे हैव टू फॉलो द स्ट्रिक्ट एडवाइजरी, और दैट वाज एडवाइजरी फॉर द सेल्स टीम ऑफ द कंपनी एज वेल एज द सेल्स टीम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर ऑन द सेफ्टी, हाउ कैसे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, सैनिटाइजेशन करना, मास्क यूज करना है। इन द सेम इसी चीज में अगर देखें तो there were masks, sanitizers were provided to the sales team of company as well as the distributors also. अगर हम फैक्ट्री लेवल पे अगर हम देखते हैं तो क्या क्या चेंजेस हमने किए, सारे फैक्ट्रीज का सैनिटाइजेशन किया हमने डेली बेसिस पे, देन वी इंश्योर द सेफ्टी ऑफ द स्टाफ एंड द लेबर विद प्रॉपर सैनिटाइजेशन एंड सोशल डिस्टेंसिंग रूल, प्रोवाइडिंग हर एक स्टाफ को और लेबर्स को हमने सैनिटाइजर्स प्रोवाइड किए, फेस मास्क प्रोवाइड किए। अब हमारे पास और बड़ा एक और चैलेंज था, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग थी, एक फियर था, तो लेबर उतनी अवेंडेंस में नहीं थी जितनी लेबर जो है नॉर्मल टाइम में फैक्ट्री के अंदर काम करती थी। तो वी इंक्रीज द वर्किंग आवर्स ऑफ द फैक्ट्री, तो फैक्ट्री जो पहले शायद 12 से 16 घंटे चलती थी वो हम लोगों ने 24 घंटे रन करना शुरू किया, क्योंकि ओनली 30% लेबर के साथ जो है फैक्ट्री जो है वो काम कर रही थी, और ये इंश्योर किया कि देयर शुड नॉट बी अ नो ह्यूमन टच टिल एंड पैकेजिंग, जो फाइनल प्रोडक्ट को, जो फाइनल पैकेज होके जो प्रोडक्ट आएगा बस उसी को उसमें हाथ लगना चाहिए, उसके बाद उससे पहले किसी भी चीज में जो है ह्यूमन टच नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ा जो चेंज कंपनी ने किया, हमारा पोर्टफोलियो बहुत बड़ा, हमारे पास 75 ब्रांड्स हैं, मोर देन 500 SKUs हैं, लेकिन इस पैंडेमिक में जो सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट थी और चीजों की वो थी मास ब्रांड्स की, लाइक पार्ले जी, क्रैक जैक, मोनाको, 2020 क्रीम्स, ये प्रोडक्ट्स थे जिनकी सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट थी। तो कंपनी ने एक कॉन्शियस डिसीजन लिया कि हम इनिशियली सारे ब्रांड SKU को प्रोड्यूस करना फॉर अ शॉर्ट टाइम बंद करेंगे एंड वी विल फोकस ऑन द मास प्रोडक्ट ओनली, ताकि जो कि मार्केट की रिक्वायरमेंट है उसको हम पूरा कर सकें, क्योंकि देर वॉज बाई द टाइम इट हैपेंड देर वॉज अ डिमांड सप्लाई गैप ऑल्सो स्टार्टेड कमिंग। फिर उसके बाद वी स्टार्टेड प्लेसमेंट ऑफ द प्रोडक्ट मार्केट में, जो देखा मार्केट में ऐसा था कि देयर वाज अ पैनिक बाइंग सिचुएशन, कंज्यूमर के दिमाग में अनसर्टेनिटी थी, तो उनको मालूम नहीं था कि ये कितने दिन तक रहेगा लॉकडाउन और क्या रहेगा, किस तरीके से रहेगा, तो जो भी था दुकान पे जो भी मिल रहा था वो एटलीस्ट मतलब नॉर्मली जो है वो आदमी जो 15-20 दिन का स्टोर करता है, लेकिन जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ तो लोगों ने जो है शायद एक एक डेढ़ डेढ़ महीने का स्टोर करना शुरू किया। लेकिन हमारे पास चैलेंज ये था कि अब ये यहाँ तक तो हम पहुंच गए थे कि यहाँ तक सारी चीजें कर ली, डिस्ट्रीब्यूटर लेवल, सेल्स टीम लेवल, सारी चीजें हम लोगों ने कर ली, लेकिन आउटलेट्स जो हैं, दुकानें जो हैं वो खुली नहीं रही थी, सिर्फ 20-30% मेन आउटलेट्स खोल रहे थे और बाकी के रेस्ट ऑफ आउटलेट सारे बंद थे, क्योंकि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने ही बंद किए हुए थे, सिर्फ 20-30% आउटलेट को ही परमिशन थी ओपन करने की। तो उसके बाद जो है तो ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने ये रखा कि सबसे पहले जितने भी आउटलेट ओपन कर रहे हैं तो उनको उन तक पहली बार एक एक बार पहुंचा जाए। तो जब व्हेन वी रीच टू दिस आउटलेट टू फुलफिल द डिमांड ऑन द वेरी फर्स्ट टाइम, तो इट वाज फाउंड कि जो डिमांड है इन आउटलेट्स की शायद दोगुनी या तीन गुनी हो गई है, मैनीफोल्ड इंक्रीज हो गई है। सो वी जनरली हमारी फ्रिक्वेंसी आउटलेट कवर करने की जो रहती है वो रहती है
कि वीक में हम एक बार आउटलेट को कवर करते हैं, लेकिन जब हमने देखा डिमांड ज्यादा है और हम उसको एक बार में फुलफिल नहीं करते, तो हम लोगों ने अपनी फ्रीक्वेंसी जो है वो कवरेज की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर दिया। अब वीकली के लिए जगह हम बाई वीकली जाने लगे, ताकि हम क्योंकि पीछे से भी प्रोडक्ट जो है इतना नहीं आ रहा था कि एक साथ हम सबकी डिमांड पूरी कर सकें। डेली बेसिस पे आ रहा था और डेली बेसिस पे बिक रहा था, तो हम लोगों ने वाई वीकली कवरेज शुरू किया। और उसके बाद जो है जो भी डिस्ट्रीब्यूटर हमारे साथ जुड़ना चाहे, कई लोगों ने कहा कि सर हम नहीं कर सकते क्योंकि ये डर है, तो हमने कंपनी ने किसी को फोर्स नहीं किया, जिन लोगों ने अपनी इच्छा से जुड़ना चाहा उनको साथ जोड़ा। और एज ए रिजल्ट अगर मैं देखता हूँ तो अब मैं जाके जब भी मार्केट में देखता हूँ तो आज भी जो है ट्रेड जो है पार्ले की सर्विसेज को अप्रिशिएट करता, क्योंकि वी वर द फर्स्ट मूवर्स इन द मार्केट। हम सबसे पहले मार्केट में पहुंचे थे और हमने सबसे पहले दुकानदारों की और कंज्यूमर्स की नीड्स को कैटर किया था, और हमने कोई भी जो मेजर जो प्रोडक्ट की डिमांड्स थी वही प्रोड्यूस की और वही मार्केट्स के अंदर सप्लाई किए, क्योंकि पार्ले जी वॉज मेजरली इन डिमांड। वी ऑल्सो टुक सम सोशल इनिशिएटिव्स ऑल्सो। कंपनी ने जो है अनाउंस किया कि दे आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट 3 crores ऑफ द पैकेट्स ऑफ पार्ले जी 5 rupees MRP ऑल अक्रॉस इंडिया थ्रू लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। हम अप्रोच करेंगे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स को डिस्ट्रिक्ट के, और उनको हम सप्लाई देंगे एंड दे आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट इट फर्दर जिनको भी जरूरत है, दोज हु आर ऑल इन द नीड ऑफ द प्रोडक्ट। And after announcing 5 crores of packet and finally we distributed 3 crores, we announced and we finally distributed 5 crores of the packets in the very first month of the lockdown. फिर उसके बाद कंपनी ने एक और इनिशिएटिव लिया, कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स जो है फ्री जो है पुलिस स्टाफ को भी दिए, क्योंकि they were working as a corona warrior, field में काम कर रहे थे, ground zero they were working as a corona warriors. तो कंपनी ने उनके जेस्चर को अप्रिशिएट करते हुए दी, कंपनी हैज आल्सो गिवन फ्री प्रोडक्ट्स टू द पुलिस स्टाफ एंड इन सर्टेन एरियाज ऑफ द कंपनी, नॉट ऑल अक्रॉस, इन सर्टेन एरियाज ऑफ द कंपनी पार्ले आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री मेडिसिन टू द पुअर एंड नीडी। देन कम्स आवर प्रमोशन पार्ट। अब कम्युनिकेशन का अगर हम देखें तो कम्युनिकेशन जो है बहुत ज्यादा मीडियम्स अवेलेबल नहीं थे, घर पे ही लोग थे, तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव जो मीडियम अवेलेबल था एट दैट टाइम वो था सोशल मीडिया वॉज अवेलेबल। तो सोशल मीडिया पे वी हैव स्टार्टेड इफेक्टिव कम्युनिकेशन ऑफ आवर ब्रांड पैकेजेस, चाहे वो यूट्यूब रहा हो, चाहे वो व्हाट्सएप रहा हो, नेम एनीथिंग, किसी कोई भी सोशल मीडिया था, we have decided strategy for each and every social media, or then we started communication of our product on each and every social media. Then our honorable prime minister started vocal for local campaign, kyunki we were the Indian brand, so we took the help of this campaign and we started this vocal of like local campaign for the product by saying that aapke apne bharat ka biscuit to communicate to each and every outlets and people. ek aur cheez humne kari, jaise ki products ko kai baar kya hota tha, kai areas mein dukaan nahi khul rahe the, to hum logon ne apni direct van jo hai wo kai societies mein hum logon ne direct bheji, wahan par jo hai consumers ne usko direct wahi se purchase kiya, to unko kahin dukaan pe jane ki zarurat nahi padi। एंड लेटर ऑन जब वेन 2 महीने के बाद लॉकडाउन के बाद 3rd month से फिर वी स्टार्टेड प्रेस एड्स ऑल्सो, प्रेस एड्स चलना शुरू हो गए। नाउ वी हैव स्टार्टेड टीवी कमर्शियल्स ऑल्सो एंड और राइट नाउ जो एक नॉर्मल कम्युनिकेशन मोड होना चाहिए उस पर हम लोग अभी इस समय काम कर रहे हैं। और क्योंकि ट्रेड वॉज वेरी हैप्पी एंड ट्रेड हैज अप्रिशिएटेड आर एफर्ट्स, जितने भी होलसेलर्स थे, रिटेलर्स थे मार्केट के अंदर, दे हैव अप्रिशिएटेड आवर एफर्ट्स एंड सर्विसेज, तो उनकी वर्ड ऑफ माउथ ऑफ पब्लिसिटी वाज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन मीडियम व्हिच हैज हेल्प्ड अस टू बिल्ड आवर प्रोडक्ट एंड टू सेल आवर प्रोडक्ट। सो दिस इज सम पिक्चर्स ऑफ लोकल वोकल फॉर लोकल कैंपेन।
हमारे डिस्ट्रीब्यूशन व्हीकल्स को हम लोगों ने जो है वो कई व्हीकल्स को पेंट किया, कई व्हीकल्स पे हम लोगों ने बैनर लगाए इस तरीके से कि वोकल फॉर लोकल, स्वदेशी बिजनेस, अपने भारत का बिस्किट, इस तरीके से जो है वी यूज वी टेक फुल यूज ऑफ दिस वोकल फॉर लोकल कैंपेन. देन कम्स पीपल. ये पेंडेमिक में देखा कि रॉ मटेरियल कॉस्ट और ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी. पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बहुत बढ़ गए थे, तो ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत बढ़ गई थी क्योंकि मोमेंट्स नहीं थे, फ्री मोमेंट्स नहीं थे गुड्स के, तो मैन्युफैक्चरिंग्स नहीं हो रही थी कई जगहों पे, तो रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ गई. लेकिन पार्ले ने इसकी परवाह नहीं की, पार्ले ने प्राइस इंक्रीज नहीं किया, ना ग्रामेज घटाया ना एमआरपी कोई इंक्रीज किया प्रोडक्ट का. दिस इज वन गुड इनिशिएटिव व्हिच वी हैव टेकन फॉर आवर कंज्यूमर, क्योंकि वी वर वर्किंग ऑन द वॉल्यूम्स एंड वॉल्यूम्स हमको मिल गए थे, तो वो वहां पर कहीं ना कहीं किसी तरीके से थोड़ा बहुत कंपनसेट हो गया. इसके साथ साथ कंपनी ने जो है एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया. जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, डिस्ट्रीब्यूटर्स का जो भी फील्ड स्टाफ था, लेबर, ड्राइवर, सेल्समैन, उनके लिए एक स्पेशल कोविड पॉलिसी कंपनी ने उनको दी ताकि वो कम से कम फ्री होकर बाजार में काम कर सकें और उनको डर ना रहे कि उनके पीछे इंश्योरेंस है. कंपनी ऑल्सो अनाउंस Company also announced COVID incentives to the distributors or their salesmen also. उसके बाद results हम देखते हैं, तो this is the result and these are some basic headlines of some of the newspapers. Economic Times, Hindu, NDTV Profit, Zee News. फिर Parle records its best ever sales in last 8 decades. So अगर हम देखते हैं तो लास्ट 4-5 मंथ्स चैलेंजिंग रहे, इंटरेस्टिंग भी रहे, और सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ ये है कि जब आपके पास एक रिजल्ट बेहतर आता है ना, तो सारी डिफ़िकल्टीज जो रही होती हैं वो आप सब भूल जाते हैं. एंड देन अगेन देर इज़ अ मोटिवेशन टू मूव फर्दर. मैं ये प्रेजेंटेशन जो है आई वुड एंड अटल बिहारी वाजपेयी की एक 4 लाइनें हैं उसके साथ में. बाधाएं आए गिरे फिर प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे सिर पर बरसें यदि ज्वलाएं ज्वलाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा. थैंक यू. That was a wonderful, you know, and thank you so much, Shanu. In fact, you know, when I read in the newspaper about the record sales that you know Parle has had, so that is what motivated me that I wanted to invite you over for this lecture. So that was really something, you know, and we saw the figures also. So there is a jump of about. Hello. Hello. Your voice is distorted. Am I audible to you all? Yeah. Nirja, aap video off kar do, fir jyada better hai. Okay. Is it clear now? Yes. Some network issue, I guess. Okay, fine. Am I audible? Yes. Hello? Can yes, ma'am. You hear me now? Okay. So thank you so much, Ranu, for, you know, accepting our request. And like I was mentioning, the time when I read about this had the highest growth, you know, you also shared a lot of screenshots about newspaper clippings and all. So that is what motivated me to invite myself in itself as a case study. And students can actually gain a lot of insights from this particular case, that how, although it was already a global player,
and Parle is the largest, you know, selling biscuits. So that is definitely there. But then during the pandemic time, how you have, you know, kind of turned this pandemic into an opportunity of India. So there was never a shortage of supply. And what all the organization did as far as, you know, CSR is concerned, or whatever you did for Corona Warriors. So that is really a commendable part. So thank you so much, Shanu. And if anybody has a question, then they can unmute yourself and they can ask that particular question to the from the guest. Any student has a question? Yes, ma'am, I do have. Yes, Shubham, please. Sir, am I audible to you? Yes, yes. My name is Shubham Singh. Sir, I basically wanted to know that what was your management style, or what difference did you make in terms of running your team? See, as I told you that there was initially we were clueless for first 4-5 days, or when we came to know that essentials are necessary and essentials are there, open to be supplied in market. So, and we were one of the essentials. And we have got a brand like Parle Ji, Crack Jack Monaco. These are household brand and eaten every day in each and every house. So, first thing was that we have to ensure the safety of the people. And there was no compulsion from the company side to move into the market, to go into the market. But we have to see system logistics jo hai wo hamari sari market ke andar already placed thi. But we want the volunteers to come out self and say ke bhai main karunga. So hum logo ne we just floated. So jin logo ne bola ke bhai ha main karunga, there fir unke liye hum logo ne jo hai परमिशंस पासिस वगैरह सारे अरेंज किए मार्केट के अंदर. और सेल्स टीम के लिए इनिशियली फॉर 2 months इट वाज अ स्ट्रिक्ट नो फ्रॉम द कंपनी दैट नोबडी इज गोइंग टू वर्क इन द मार्केट. लेकिन इसके अगर मैं उलट देखता हूं तो सेल्स टीम की तरफ से ये रहा कि सेल्स टीम जो है सुबह 9 बजे बैठती थी अपना मोबाइल लैपटॉप लेकर, एंड दे यूज टू कॉल उस रूट के आउटलेट्स को, मेन आउटलेट्स को, शहर के आउटलेट्स के सबके नंबर्स हमारे पास रहते हैं, रूट लिस्ट वगैरह रहती है. तो उनको कॉल करते, उनको लेते थे और उनको कॉल करते थे, उनसे ऑर्डर लेते थे और ऑर्डर लेके वो जो है और डिस्ट्रीब्यूटर्स को सप्लाई करते थे. देन फिर उसके बाद जब 2 महीने बाद जब थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, देन कंपनी हैड सेड के अब आपको अगर कहीं जरूरत पड़ती है, जाना जरूरी है, तो देन यू कैन मूव आउट. सो हाईली मोटिवेटेड एनवायरनमेंट क्रिएटेड बाय द मैनेजमेंट, आवर डायरेक्टर्स एंड एवरीथिंग. हेलो, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर. एनीबडी एल्स हैज अ क्वेश्चन? Any other student who wants to ask something? मैं नीरज. Yes. मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर अगर कोई नहीं है तो अगर किसी का कुछ होता है तो आप मेरे से बाद में. And definitely I'll forward them to you. Yeah, that would be really nice. Okay. तो मैं. So with this we come to the end of the lecture. And thank you, Ranu, for accepting our request to, you know, come for the lecture. And thank you for sharing these valuable insights. And I'm sure these are mostly fifth semester students. Next year, they would also be joining the workforce. So this would be a kind of a learning experience for them, you know, how to turn an opportunity and how to grab opportunities and look for various opportunities during difficult times. So, you know, crisis ko hum kaise opportunity mein convert kar sakte hain. So this is a classic example of that. So thank you once again for sharing insights. And we'd definitely like to have you again in future, probably then physically in the campus, maybe next year. So, yeah. So thank you once again. It was a wonderful session. Thank you. And definitely,
maybe you never know, next year kuch mere saath hi kaam karne aa jaye, and I would love to have some people from you. Wo koi baat nahi hai, lekin next year in fact for internship as well as final placements, if we can, you know, can take up some students from our institute, that would be really nice. Yes we, and the students are actually very bright students we have. We go to so many campuses for campus recruitment. So definitely I would love to have it in your campus also. That would be really great. Okay, thank you so much. Thank you. So thank you everyone. We'll end the session, right? Coincidentally, right. Yeah. It was a pleasure to have you. Thank you. All right. Okay. Bye-bye, everybody. Bye. Well, all the students, I have taken the screenshots. Anna, your attendance would be marked by the respective class in charges. All right. Thank you and bye.